नमस्कार आदाब, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मकर संक्रांति का जो त्यौहार था उस मौके पर सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया, जो इस बारे में आपको सुनाते हैं क्या पोस्ट किया है। तिळगुळ खाऊन खोटं खोटं गोड बोलणाऱ्या माणसांपेक्षा चकणा आणि क्वार्टर घेऊन सत्य तेच बोलणाऱ्या वचनाप्रमाणे खरी बोलणारी माणसं खूप चांगली असतात। शुभेच्छा तुम्हाला। मेसेज आवडला तर जरा पुढे पाठवा। इस तरीके का मैसेज उन्होंने डाला है इस शुभ अवसर पर। इस बारे में हम यहाँ के जो शिवसेना के जो पूर्व नगर सेवक है सुधीर भगत, इस बारे में इनसे जानते हैं। शायद यहाँ के आमदार जो है वो आज भी नशे में है। नशा सत्य का इतना हो गया है कि उनको अब त्यौहार की भी फिक्र नहीं पड़ी। आज हम दुश्मन भी रहेंगे तो ये मिठाई लो और पिछला भूल कर हम एक साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे, ये संदेश देने के लिए मकर संक्रांत आती है कि तिळगुळ घ्या आणि गोडगोड बोला, पिछला जितना भी बुरा है वो भूल जाओ और हम साथ मिलकर काम करेंगे। ये इतना अच्छा सुनहरा मौका था उनके लिए कि जितने भी उनके प्रतिस्पर्धी थे, विरोधी थे या उनके ऊपर टीका करने वाले थे, उनको उन्होंने तिळगुळ देना चाहिए था। बोला ये मीठा खाओ, अपने जबान से मीठा बोलो। लेकिन जो चरस के जो नशीले अड्डे चलाते हैं उनसे और उम्मीद भी क्या करेंगे हम। इनके राज में, साहब के राज में यहाँ पर इतने नशे के अड्डे बन चुके हैं, चरस के अड्डे बन चुके हैं। अब तो साहब ये भी कह रहे हैं कि दारू भी पियो, क्वार्टर भी मंगा रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये मेरे वरिष्ठ हैं, मैं हमारे साहब को हमारे वरिष्ठ बोलता हूँ। इन्होंने हमको सिखाना चाहिए कि सुधीर दारू गलत है, सुधीर चरस गलत है, इनसे दूर रहो। हम इनको हमारा आदर्श मानते हैं और ये अगर आदर्श हमको बोल रहे हैं कि आप क्वार्टर से काम चलाओ, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ सॉरी साहब, मेरे फादर्स ने, मेरे पिताजी ने या मेरे जो भी वरिष्ठ है, मेरे चाचा होंगे या मेरे मुमरावासियों ने मुझे ये सिखाया है कि नशे से दूर रहो और हमेशा सच्चाई का साथ दो। कल को तो ये कहेंगे कि ईद का मौसम है, गले मिल के पीछे से खंजर खोपस दो, तो ये उनको मुबारक हो। आज इन्होंने संक्रांत के लिए बोला है, कल को शायद ईद के लिए बोल देंगे कि गले मिलकर, झूठ गले मिलकर खंजर खोपसने तो अच्छा है कि लड़ाई कर करके बाद में आप एक साथ मिल जाओ। तो साहब ये आपकी जहन आपके पास रखिए, मुमरा की जहनियत आज भी ठीक ठाक है और हमारे में जो भाईचारा है, फिर वो मकर संक्रांत हो, दिवाली हो, ईद हो, हर त्यौहार हो, हमारे हम सब साथ मिलकर मनाते हैं, आपके जैसा क्वार्टर लेके नहीं मनाते हैं। हमारे MIM के जिम्मेदार वसीम सैयद है, उनसे जानते हैं। तिळगुळ खाने से अच्छा है शराब और चकना पीकर भी अगर आप सच बोलोगे तो वो सही है। मैं उनकी जहनियत के ऊपर ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं। कहीं पर वो एक तरीके से एक मराठा को गाली देते हैं फ़ोन पे, मुसलमानों को कुत्ता, और उन्हीं के अभी के कॉरपोरेटर को उन्होंने गाली देकर, जिसको हम लोग देना अच्छा नहीं दलाल क्या है जो हिंदी शब्द इस्तेमाल होता है वो कहा है। तो मुझको लग रहा है कि बीजेपी से दूरी, सत्ता से दूरी आज जितेंद्र अवाड़ को बहुत खल रही है, जिस तरीके से शरद पवार को खलती है और वो बौखलाए हुए, और ये उनकी जहनियत है। जिस तरीके से पूरा मुमरा इस वक्त नशे के ख़िलाफ़ एकजुट होकर नशे के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ये अकेले ऐसे आमदार हैं जो कह रहे हैं कि शराब और चकना पियो। मुझे बड़ा अफसोस है कि जो आदमी अपने आगे डॉक्टर लिखता है, जो आदमी अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और सभ्य मानुष बताता है, जिसको अजीत दादा पवार ने भी कहा था कि आगे का बटन बांध करके राजनीति करो, तो उन्होंने कहा था कि मैं बटन खोल के गुंडागर्दी वाली राजनीति के अंदर बिलीव करता हूँ। तो ऐसे आमदार से आप इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रख सकते हो। मैं बस लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि 10 साल धोखे के आप लोगों ने निकाल लिए, आने वाले इलेक्शन के अंदर ऐसे आमदार जो शराब और चकने के ऊपर सच बोलने के लिए कहते हैं, इनको दूर रखिएगा। ये स्टेटमेंट जो जितेंद्र अवाड़ ने दिया है, मैं तो मुसलमान मजहब में तो वैसे ही शराब की ममानियत है और शराब पीना हमारे हराम माना जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि शायद हिंदू धर्म या कोई ऐसा धर्म होगा जिसमें आपके बड़े आपको ख़ास करके बोलते हो कि चकना और शराब पी करके सच बोलें। ये बहुत ही छोटी सोच है, बहुत ही गंदी सोच है और मैं चाहता हूँ कि लोग ऐसी सोच को बदलें। मैं तो इतना ही कहूँगा
क्या ये तिलगुड़ जो है उनके धर्म का मामला है, और जिसने भी ये तिलगुड़ किसी भी भगवान ने या किसी भी संत ने निकाला होगा उसने यही बोला होगा कि भाई तिलगुड़ खा के उम्दा अच्छा अच्छा बोलो, आप अच्छा बोले तो सही है। उसका मतलब अगर आमदार बोलते हैं कि तिलगुड़ खा के झूठ मत बोलो, दारू पी के सच बोलो, तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक पुलिस वालों को बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि बनिस्बत थर्ड डिग्री मारने से दारू पिला के सच ही खिलवा लो ना, तो सारे आरोपी सच बोल के बाहर आ जाएंगे। और अब आमदार हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी ठीक है। अब उन किस ढंग से ये बात कही है वो यही समझ सकते हैं। अब वो दारू में तो नहीं बोल दी उन्होंने पी के, उन्होंने जो मैसेज दिया कि इसको फॉरवर्ड कर दें, तो अब क्या शायद सबको दारू पिलाने की आदत डलवा रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स का तो बोमा बम बहुत हो गया था कि भाई दारू पियो सच बोलो, तो अभी उनका मैसेज वही बोल सकते हैं। क्या है इसका मैसेज, मतलब उनका क्या था बोलने का, मेरे ख्याल से किसी के भी समझ में नहीं आएगा। कैमरामैन अनीप शेख के साथ हुसैन सुल्तान पर हार्ड टाइम्स।